अगेन वेलकम बैक टू रैंकर बच्चों का पेपर नंबर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन सो सबसे पहले एमसीक्यू लेते हैं तो यहाँ पे बोला है विच कलर बेसिक सब्सटेंस तो टर्मरिक जब बेस यानी कि सोप सोल्यूशन सोच लीजिए रेड ब्राउन कलर देगा रेड कलर जैसा दे देता है विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ फाइव टू एट परसेंट एसिटिक एसिड इन वाटर गन स्टोर बाइल गोल्ड ब्लेडर बाइल स्टोर करता है गोल्ड ब्लेडर बनाने का काम कौन करता है लीवर ऑन विच फैक्टर डेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिव रेजिस्टिविटी पूछा गया है तो रेजिस्टिविटी दो ही चीज पर डिपेंड करती है मटीरियल एंड टेम्परेचर मटीरियल एंड टेम्परेचर विच टाइप ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ऑप्टेन कैन नॉट पूछा गया है कॉन्वेक्स लेंस हमें बताया कॉन्वेक्स लेंस एक बनाता है रियल एंड इनवर्टेड और बनाता है वर्चुअल एंड वर्चुअल एंड जो इमेज बनती है वो बनती है एनलार्ज यानी वर्चुअल एनलार्ज पॉसिबल है रियल एनलार्ज पॉसिबल है रियल डिमिनिस्ट पॉसिबल है एक ही पॉसिबल नहीं है दैट इज वर्चुअल एंड डिमिनिस्ट विच फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेमबो सबसे पहले अंदर आता है तब उसके बाद डिस्पर्सन उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी ऑल ऑफ द अब द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड इज एसिटिक एसिड सिंपल द फैक्टर सजेस्टेड जेनेटिक्स में उनको हम बोलेंगे जीन और एल भी होता है एल भी बोलते हैं कई लोग ब्लैंक इज द इक्विवेलेंट रजिस्टर रिपीट क्वेश्चन फोर ओम. सीरीज में है दोनों द मेन आर्टरी इमेजिंग इमर्जिंग फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलता है एरोटा रेक्टिफाइंग पावर ऑफ माइनस पॉइंट फोर डायप्टर प्रिपेयर इज यूज टू प्रिपेयर स्पेक्टिकल अगर माइनस पावर है विच मीन्स आंसर विल बी कॉन के व आंसर क्या रहेगा कॉन केव एलिमेंट एक्स एज एटोमिक नंबर ऑफ थर्टीन एल्यूमिनियम इज द नियरेस्ट टू इनर्ट गैस इनर्ट गैस इज कौन कौन से हिलियम नियॉन आर्गोन दैट इज टू टेन एटीन तो थर्टीन नंबर कौन सा नजीक है नियॉन तो विल बी द आंसर गोल्ड एंड प्लेटिनम डो नॉट डिजोल इन एक्वरिया नहीं भाई गोल्ड और प्लेटिनम डिजोल्व होते हैं बोथ पी प्लांट्स इन पेरेंट जनरेशन फॉर मैंडल्स एक्सपेरिमेंट वेद प्योर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड ट्रू दोनों सेम थे प्योर थे द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिजम फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इज डिफरेंट गलत बात है सबके लिए वन पॉइंट फाइव है ग्लास प्रिजम है एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रू नेम वन हारमन सेक्रेटेड बाई पिच्यूलैंड ग्रोथ हॉर्मन जीएच इन विच क्लास ऑफ एनिमल सेक्स सेक्सरमैन डिपेंड ऑन टेम्परेचर क्लास पूछा गया रेप्टीलिया विल बी द आंसर मस्त क्वेश्चन है गुड वन विच पार्ट ऑफ व्यूमन आई हेल्प्स इन चेंजिंग द थिकनेस ऑफ आईलैंड सिलियरी मसल आईलैंड की थिकनेस कम ज़्यादा करने का काम सिलियरी मसल्स करते हैं

एनिमल को हम कार्निवर बोलेंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई गिवन डायग्राम लेबल पार्ट ए बी एंड सी स्प्रॉनजेनियम की बात है तो यहाँ पे ये यह स्पोर है स्प्रॉन्जिनियम में यहाँ पे ये स्पोर फॉर्मेशन मिल सकते हैं या तो स्प्रॉन्जे बी जो है हमारे स्पोर्स है और ये सी है वो है हाइफे ओके okay. डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है आइडेंटिफाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ड्यूइंग स्पोर फॉर्मेशन ऑब्जर्व द डायग्राम स्टेट बाय विच पार्ट ब्लड इज फिल्टर ब्लड फिल्टर होता है किडनी में से और किडनी है, है हमारा वाई बाई हुम इज यूरिन स्टोर यूरिन इज अ गोल्ड ब्लड अरे यूरिनरी ब्लेडर सॉरी यूरिनरी ब्लेडर केयरफुली ऑब्जर्व द गि डाग्राम आंसर द क्वेश्चन यहाँ पे हीटिंग ऑफ कॉपर का एक्सपेरिमेंट दिया गया है वट हैपन्स ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर कॉपर जब uh, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं दैट विल बी कॉपर ऑक्साइड बैलेंस करने के लिए दो से मल्टीप्लाई कर दो व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड ब्लैक और कॉपर ऑक्साइड को व्हेन प्रोडक्ट इज पासिंग बाय हाइड्रोजन गैस ओवर हॉट कॉपर ऑक्साइड वापस रिडक्शन होगा और हमें मिल जाएगा कॉपर वापस हमें कॉपर मिल जाएगा स्टेट द नेम ऑफ पार्ट्स ए बी सी डी ऑफ द फॉलोइंग गिवन ए इज अ लीवर बी हमारा स्टोमाक है सी इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन डी एन एस है ओके एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टो ह्यूमन स्टोमाक स्टोमाक में तीन तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं और गैस्ट्रिक जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक ज्यूस रिलीज करते हैं और गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं उनमें होता है एसिड म्यूकस और पैप्सिन अब ये एसिड क्या करता है एक एसिडिक मीडियम रेडी करता है साथ में बैक्टीरिया को मार देता है एसिडिक मीडियम क्या करता है पेप्सिन को कन्वर्ट करता है इन एक्टिव पैप्सिन और म्यूकस दोनों से बचाता है स्टोमक को यह बात को याद ही होगा तो इसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन ख़त्म करते हैं आज के ये वीडियो में हम इतना ही रखते हैं डन थैंक यू दैट्स इट फ्रॉम माय साइड बाय